Hello dear students, so today we are going to solve problem number 1.4 of the IE Aerodove book. So IE Aerodove book ka 1.4 problem solve karenge and this is a very interesting problem because graph wale jo problems hote hain na, they are damn fantastic, bahut zabardast hote hain, isme maza aata hai basically inko solve karne mein. Aur ye physics hai to basically graphs to read karna aana hi chahiye. Chaliye, khair to basically isme sawal kya puchhega ki bhai dekhiye point hai jo ki rectilinearly matlab seedha seedha ek line mein chal raha hai and wo jo distance cover kar raha hai तो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया गया है तो मीटर्स में जो वो कवर कर रहा है डिस्टेंस उसको वाई एक्सिस में प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे और जो वो टाइम ले रहा है बेसिकली टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया गया है तो सेकंड्स में ठीक है उसको एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है तो उसने जो टाइम लिया सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं उस टाइम को और बेसिकली वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है. अभी मोशन आप ध्यान से अगर देखें तो 20 सेकंड्स तक ही हो रहा है. 20 सेकंड्स के बाद जो है बेसिकली ग्राफ देखिए बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया. इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा. इसका मतलब वो चीज रुक चुकी है ना, तो पार्टिकल रुक चुका है. तो हमें 20 सेकंड तक का ही बेसिकली हमको पार्ट कंसीडर करना है, उसके आगे का पार्ट हमको कंसीडर नहीं करना है. तो मैं जो है बेसिकली वही आपको अभी इसमें करके दिखाऊंगा. अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है बेसिकली इस मोशन की क्या होगी. तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं ना, तो बहुत ही गौर से सुनिएगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते ये हैं कि जो टोटल मोशन होता है ना उसके बीच में एक लाइन बना लेते हैं. तो मोशन शुरू यहाँ से हुआ था और मोशन जो खत्म है वो यहाँ हो रहा है. तो हम यहाँ से यहाँ तक ये ना स्ट्रेट लाइन से खींच लेंगे. जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बेसिकली तो उससे ये होगा कि हम अब इसकी स्लोप निकाल सकते हैं. जब हम इसकी स्लोप निकालेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द एवरेज वेलोसिटी. देखो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब ये है, मोशन कैसा भी रहने दो बेसिकली स्पीड बढ़ रही है घट रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज के वो सीधा लाइन में चल रहा है. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो सीधा लाइन में चल रहा है, स्पीड बढ़ा है घटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है. एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है कि आप भाई सीधा है ना स्टार्ट टू एंड जो है मोशन का उसका जो है मतलब आप एक लाइन बना के उसकी स्लोप निकाल लीजिए. तो इस लाइन की हम स्लोप निकालेंगे. तो आप इस लाइन की अगर स्लोप निकालना चाहें तो कैसे आएगी आपको स्लोप? स्लोप क्या होता है भाई? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ना, यही होता है ना. तो अब आप अगर गौर से देखें तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस इसका 20 सेकंड्स और इसका वाई एक्सिस है 2.0 है ना. और एक सेकंड, वाई एक्सिस 2.0 है, हाँ करेक्ट. और इस पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस 0.0 मतलब सिंपली 0 है और वाई एक्सिस 0.0 है. ठीक है, तो अभी मैं जब इसको सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वाई एक्सिस को पहले सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 2.0 माइनस 0.0 और अपॉन 20 माइनस 0 तो सिंपली 1/10 आ जाएगा है ना. मतलब 2/20 आ गया ना, तो मतलब 1/10 आ गया. इसका मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड हो गया, 0.1 मीटर पर सेकंड. तो ये इसकी जो है एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी. चलिए ठीक है, तो अभी हमको एवरेज वेलोसिटी वाला जो पार्ट था वो तो हमारा हो गया है ना. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. ओके फाइन, जो सेकंड पार्ट है उसमें बेसिकली वो लोग पूछ रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है. तो हाउ डू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी? इट इज वेरी इजी. देखिए 0 से 10 तक जब हम जा रहे हैं ना तो स्लोप धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर बेसिकली अगर आप 10 से 16 तक जाएंगे, देखिए यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 16 होगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जाने में जो है स्लोप एकदम बड़ी है, सबसे मैक्सिमम स्लोप है और उसके बाद में स्लोप जो है घटती जा रही है, मतलब यानी कि डिक्रीज होती जा रही है 16 से 20 के बीच में. तो 0 से 10 में स्लोप बढ़ रही है और 16 से 20 के बीच में घट रही है और 10 से 16 के बीच में मैक्सिमम स्लोप है. तो मैक्सिमम स्लोप की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वही तो मेरा बेसिकली मैक्सिमम स्पीड होगा ना. और यही पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी. तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब हमको है ना मैक्सिमम स्लोप लेनी है बिकॉज स्लोप ही तो वेलोसिटी है इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. तो मैं क्या करता हूँ ना, कोई दो पॉइंट्स चुन लेता हूँ. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये, एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ. तो मैं क्या करता हूँ ना कि ये वाला पॉइंट चुन लेता हूँ, जैसे 14 वाला. ठीक है, तो मैं ये पॉइंट चुन लेता हूँ, मतलब 1.4 वाला. सॉरी ये 1.4 है, इट्स नॉट 14. तो 1.4 है, नीचे अगर मैं आता हूँ, हाँ तो दिस इज़ 14. और अगर मैं एक और पॉइंट लेना चाहूँ लाइक, तो मैं यहाँ का ले लेता हूँ. सो बेसिकली ये हो जाएगा मेरा कितना, दो लाइन ऊपर है ना, तो इट विल बी 0.4 और यहाँ से मैं नीचे आऊँगा तो इट विल बी 10. ठीक है, तो अब स्लोप कैसे निकाली जाती है? तो स्लोप इज वाई टू माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एज यूजल. तो वाई टू जो है 1.4, वाई वन जो है 0.4 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब 14 माइनस 10. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे मिल रहा है ऊपर 1.0 और नीचे मिल रहा है बेसिकली 4. तो इट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड. हाँ, तो ये मैक्सिमम बेसिकली वेलोसिटी है. आपने देखा एवरेज वेलोसिटी जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी वो कितनी आई थी, एवरेज वेलोसिटी जो थी ना वो हमें 1.0 मीटर पर सेकेंड आई थी. और यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी आई है वो बेसिकली एक सेकेंड 0.1, सॉरी 1.0 नहीं 0.1, और ये आई है 0.25. ठीक है, तो ये उससे बड़ी वेलोसिटी है ना, 0.1 से बड़ा होता है ना 0.25. ओके चलिए, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. अब तीसरा सवाल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. जो तीसरा सवाल है दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. उसमें ये पूछा गया है कि भाई ऐसे कौन सा टाइम टी जीरो है जहाँ पर जाके जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और जो मतलब यानी कि मीन स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और मीन स्पीड इक्वल हो जाते हैं. मीन स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल करना है. देखिए
इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना पड़ता है, ठीक है? तो वो टेंजेंट की स्लोप से आपको बेसिकली आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप किसी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट बनाएंगे तो उस पर जाके आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, और अगर कोई दो पॉइंट्स हैं उसके बीच में एक लाइन बना के अगर आप स्लोप निकालते हैं तो आपको एक एवरेज स्पीड आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो लाइन है, दो पॉइंट्स की जो लाइन है, उसका स्लोप अगर वो जो एक पॉइंट की टेंजेंट होती है उसके स्लोप से मैच हो जाए तो बेसिकली आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगा। तो अब देखिए, इस मोशन में शुरू से आखिर तक के बीच में अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि बेसिकली जो एवरेज स्पीड है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इक्वल हो रहे होंगे। तो वो कहाँ हो सकता है? आप है ना शुरू से एक लाइन बनाइए, एक लाइन, और इस ग्राफ पे टेंजेंट ढूंढिए। तो जब आप इस ग्राफ पे टेंजेंट ढूंढेंगे तो आपको कहीं यहाँ जाके टकराएगा। सॉरी फॉर मेकिंग अ रॉन्ग लाइन, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर कहीं जाके होगा, है ना? तो ये दिस इज द पॉइंट, ओके? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जाके हो रहा है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो मतलब एवरेज स्पीड है वो सेम होगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने मोशन कंसीडर किया ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो टेंजेंट भी वही है और जो दो पॉइंट्स के बीच की लाइन होती है वो भी वही है। तो बस अब मुझे इसी लाइन का बस स्लोप निकाल लेना है, दैट्स इट। तो मुझे आंसर आ जाएगा। तो जब मैं स्लोप निकालने जाऊंगा तो एक सेकंड, सर स्लोप नहीं पूछा गया, सॉरी, मुझसे पूछा गया है टाइम, किस टाइम पे ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम है बेसिकली दैट इज 16 सेकंड्स। तो जो टाइम है वो 16 सेकंड्स है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि इट इज 16 सेकंड्स। यहाँ पर जाके ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने जब टेंजेंट बनाया तो यहाँ पे कट कर रहा है। तो दैट इज द फाइनल आंसर बेसिकली। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर 16 सेकंड्स है। थैंक यू।